हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज के वीडियो का विषय है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में मैंने पहले ही एक पार्ट बनाया है जिसमें मैंने प्रीपोजिशन की मीनिंग और प्रीपोजिशन के काइंड्स के बारे में एक्सप्लेन किया। इसमें हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन हैं जिनका डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह से यूज होता है, तो इस वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इन और एट का यूज। ये दोनों प्रीपोजिशन है लेकिन दोनों एक ही सिचुएशन में नहीं यूज किए जाते, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए जानेंगे कि इन और एट का यूज कहां कहां करते हैं। आइए देखते हैं। इन का यूज देशों, बड़े शहरों और बड़े स्थानों के साथ प्रयोग होता है, जबकि एट छोटे शहरों, छोटे कस्बों, ग्रामों के लिए प्रयोग होता है, यानी गांवों के लिए प्रयोग होता है। अब बड़े देशों और बड़े शहरों के साथ, बड़े स्थानों के साथ इनका यूज होता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, रमेश लिव्स इन अमेरिका, मदन लिव्स इन दिल्ली, दे लिव इन मुंबई। So, अमेरिका एक बड़े देश का नाम है, देश का नाम है, तो इसके साथ में इन आया। इसी तरह से मुंबई एक बड़े शहर का नाम है, तो इसके साथ भी इन का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका यूज गुजरात के साथ किया गया क्योंकि यह एक राज्य का नाम है, जबकि एट का यूज पोरबंदर के साथ किया गया क्योंकि पोरबंदर एक छोटे स्थान का नाम है। आइए अब मैं समझता हूं इनका और एट का यूज क्लियर हो गया होगा। इनका यूज हमेशा बड़े शहरों, बड़े स्थानों और देशों के साथ किया जाता है, जबकि एट छोटे गांवों, छोटे शहरों और कस्बों के लिए प्रयोग किया जाता है। इन और एट का टाइम के हिसाब से, टाइम के सेंस में यूज कैसे किया जाता है। देखिए, इनका यूज एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, एक निश्चित समय नहीं रहता, एक लॉन्ग पीरियड रहता है। इनका प्रयोग समय के किसी भाग के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग एक निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप जानेंगे, He will leave the place in 3 hours. He will leave the place in 3 hours. In 3 hours, एक पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स नहीं है कि वो कितने बजे से कितने बजे के बीच में जगह को छोड़ेगा। He will leave, वह छोड़ेगा, place यानी जगह, वह इस जगह को छोड़ेगा इन 3 hours, 3 घंटों में। वो 3 घंटा फिक्स नहीं है कब से कब, एक टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर इन लगाया गया है। अब देख लीजिए, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। नाउ इन दिस सेंटेंस द टाइम इज फिक्स, पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइमिंग दी गई है। जैसे he will और रमेश will meet me at 7 o'clock। So at 7 o'clock कहने का मतलब है कि रमेश मुझसे मिलेगा 7 बजे, रमेश मुझसे 7 बजे मिलेगा at 7 o'clock। I am going for morning walk at 5 o'clock। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं 5 बजे, मैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं। तो जब फिक्स टाइमिंग बताई जाती है तो उसके साथ में एट यूज किया जाता है। मैं समझता हूं इन और एट का टाइम के सेंस में डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और स्पेशल प्रेपोजिशंस जानते हैं। आइए आप जानेंगे इन और इनटू जैसे प्रीपोजिशन कहां पर प्रयोग होते हैं। देखिए, इन और इनटू का सिचुएशन अलग अलग होता है।
इन एक स्थिर या स्थिरता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां लिखा गया है स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इन द क्लास मतलब कि वो क्लास के अंदर हैं और वो स्थिर हैं, वो एक पोजीशन में बने हुए हैं। तो यहां पर इनका प्रयोग किया गया क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स की स्थिरता बनी हुई है। ऐसे ही दूसरा है माधुरी इज इन द हाउस, हाउस के अंदर माधुरी की स्थिरता बनी हुई है। यहां पर भी देखिए, ये मैंने इसको सर्कल किया, सॉरी, यहां भी इन यूज किया गया है। ये दोनों ही सिचुएशन में इज यूज किया गया, इन यूज किया गया है क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स की स्थिरता क्लास में बनी हुई है, वैसे ही माधुरी की स्थिरता घर में बनी हुई है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में देखिए इनटू का प्रयोग, इनका प्रयोग हमेशा याद रखिए कि स्थिरता के लिए होता है, जबकि इनटू का प्रयोग कब किया जाता है देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल यहां मैंने लिखा ही जंप्ड इनटू द वेल। अब यहां देखिए इनटू द वेल मतलब किसी जगह में घुसने के लिए एक मूवमेंट किया, वह एक सिचुएशन से एक जगह से एक आदमी कुएं के अंदर जंप किया, एक मूवमेंट हुई। तो इनटू का प्रयोग गति के लिए किया जाता है, जहां किसी चीज का अंदर घुसना या किसी जगह के अंदर जाना एक गति के साथ या मूवमेंट के साथ होता है वहां पर इनटू का यूज किया जाता है। जहां ऑलरेडी कोई चीज पाई जाती है, स्थिरता बनी होती है, वहां इन का यूज होता है। तो मैं समझता हूं आज हम लोगों ने इन, एट, इन, इनटू, ये कुछ प्रेपोजिशन सीखे। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे के पार्ट में मैं कुछ और प्रेपोजिशंस के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।